जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक 19 का हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर आज हो जाएगा 12। ठीक, कौन 51 क्या कह रहा है कि दो ठोस गोले का आयतन 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। दो ठोस गोले का आयतन, तो फर्स्ट गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 pi। अब पहले वाला को मान लेता हूँ R1 का क्यूब, दूसरे वाला का 4/3 pi R2 का क्यूब, बराबर दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 1144/3 दिया हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है कि त्रिज्याओं तथा यदि उनको त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी R1 + R2 बराबर हमको कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा, यानी R1 - R2 बराबर व्हाट, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए कर दीजिए, ये 3 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, ऐसे समझ में। अब 4 और ये पाई का मान हो जाएगा, यानी 22/7 हमारा कॉमन हो जाएगा। ये R1 का होल क्यूब हो जाएगा, ये R2 का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर 1144। अब देखिए 11 × 22 हो जाएगा, 11 × 11 = 44 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 × 8 4 × 6 = 24, 2 से काटिए ये कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, 13 × 91। तो हम कहेंगे R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब बराबर 91। अब वहाँ पर दिया हुआ है R1 + R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट आता है, वो क्या होता है? वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि R1 का एक मान रखिए, R2 का मान रखिए, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आना चाहिए 7, और क्या करना होगा, क्यूब करके जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 91 आना चाहिए। तो मैंने R1 का मान रख दिया, कितना रख दिया? 4 रखिए, और R2 का मान अपने से मान लीजिए 3। अब देखिए इसका क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 × 64 हो जाएगा। इसका क्यू करिएगा तो 27, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 91। ऐसे जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है, यानी R1 + R2 जोड़ने पर 7, क्यू करके जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 91 आ जा रहा है, यानी R1 का हमारा मान 4 हो जाएगा, R2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रोहित मोहित और सुमित, रोहित मोहित सुमित, यह हमारा रोहित हो गया, यह हमारा मोहित हो गया, यह हमारा सुमित हो गया। करे अकेले एक कार्य को 8, 14, 21 8, 14 और 21 दिनों में करते हैं। तो कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिनों में करेंगे, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इनका तीनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 168 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 168। अब देखिए तीनों हम कहेंगे टोटल हमारा वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया जाता है तो टोटल वर्क निकल जाता है, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 168। अब 168 में 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 × 16 = 8, यानी रोहित जो है ना एक दिन में 21 काम करेगा। इससे डिवाइड करिएगा तो 4 × 4 = 8, यानी 12 दिन में हो जाए, 14 × 28, और इससे करिएगा तो ये 8 दिन में। हम कहेंगे रोहित जो है ना एक दिन में 21 काम कर रहा है, मोहित जो है एक दिन में 12 काम कर रहा है, सुमित एक दिन में 8 काम कर रहा है। कर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 20 हो जाएगा, 20 + 20 = 40, यानी एक दिन में टोटल 41 काम करेंगे, और हमारा टोटल काम कितना है? 168/41, यही हमारा दिन लगेगा, इतना दिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इतना बराबर हमसे क्या कर रहा है, व्हाट पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो एक हम लोग का क्या होता है कि वी बोर्ड मास, यानी जो पहले ऊपर दिया रहता है उसका काम होता है, फिर नीचे वाला का, फिर लास्ट वाला का काम करता है। वी का मतलब क्या होता है? बार, बार यानी रेखा कोष्ठ कहा जाता है इसको, ऐसे मान लीजिए x + y, इसी को रेखा कोष्ठ कहा जाता है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। डी का मतलब क्या होता है? भाग, डिवाइडेड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा हो जाएगा, और ए का मतलब योग हो जाएगा, ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव हो जाता है। एस का मतलब क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। तो पहले हम लोग बार का काम करेंगे, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर का काम करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो पहले हम लोग का क्या कह रहा है? ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट का काम कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तब देखिए छोटा ब्रैकेट में हमको 1/2 दिया हुआ, अब घटाओ से पहले भाग, घटाओ से पहले भाग दिया हुआ है, यानी भाग का काम करेंगे। तो भाग को क्या करिएगा ना, चिन्ह पलट के और उल्टा लिख दीजिए, तो भाग की जगह पे गुणा लिखे और पलट दीजिए इसको, तो 1/4 है तो 4/1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस हो गया 4। अब देखिए अब यहाँ पे ना पहले क्या करिए ना कि 1/2 है
और 1/3 हो जाएगा, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा हो जाएगा। अब इसको 2/3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस से पहले भाग है, ऐड से पहले क्या है भाग, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग की जगह पर गुणा लिखिए, पलट के लिख दीजिए, 4/3 है तो 3/4 लिख दीजिए और प्लस 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये हो जाएगा 2×4 हो जाएगा और ये 2×4 हो जाएगा, तो हम कहें 2 - 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2×4 हो जाएगा, यानी 1/2 यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2×4 = 3, 3×6 = 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, प्रबंधकों का औसत वेतन x है, प्रबंधक का औसत वेतन, प्रबंधक औसत वेतन कितना है x दिया हुआ है। आगे कह रहा है श्रमिकों का औसत वेतन y दिया हुआ है, एक श्रमिक हो जाएगा, औसत वेतन कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ है y। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा प्रबंधक की संख्या श्रमिक की संख्या का 15 गुना है, प्रबंधक का श्रमिक का, श्रमिक से 15 गुना है, यानी प्रबंधक 15 होगा तो ये 1 हो जाएगा, यही ना कह रहा है श्रमिक का 15 गुना है, तो ए से श्रमिक होगा, पी से प्रबंधक, ये 15 गुना हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि प्रबंधक तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन ज्ञात करें। हमसे बोल रहा है औसत वेतन, तो औसत बराबर क्या होता है, योग अपॉन संख्या हो जाएगा। तो देखिए औसत में संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो हम कहेंगे प्रबंधक कितना है 15 और औसत वेतन कितना है x, श्रमिक कितना है 1 और औसत वेतन कितना है y, तो ये हमारा योग हो गया। संख्या कितना हो गया, 15 को ये है 1 ये है, यानी टोटल 16 आदमी है, तो हम कहेंगे इसका कितना हो जाएगा 15x + y अपॉन कितना हो जाएगा 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में इससे पहले मैं सरलीफिकेशन का बता दिया था, सरलीकरण का, इसको बोलते हैं सिम्प्लीफिकेशन। अब इतना बराबर वाट हमसे पूछ रहा था, इसको कैसे बनाएंगे, भी बोर्ड मास के रूल पे बनाएंगे। बी का मतलब बार हो जाएगा, बी का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, ऑफ मतलब का हो जाएगा, डी मतलब डिवाइड हो जाएगा, एम मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मतलब योग हो जाएगा, एस का मतलब क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा हो जाएगा। अब लोग हम कैसे बनाएंगे, पहले ये 45 है तो 45 से छोड़ दीजिए, का है तो का ही रहने दीजिए, क्योंकि का से पहले क्या है ब्रैकेट, तो पहले हम क्या करें ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 3/7 और डिवाइड का चिन्ह रहता है ना, तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लिख देते हैं, और जो संख्या दिया रहता है ना उसको पलट के लिख देते हैं, यानी 14/15 हो जाएगा। आया समझ में? -6×12=13, 13/2 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड की जगह पे क्या रखिए, गुणा का चिन्ह रखिए, क्योंकि माइनस से पहले क्या है डिवाइड, माइनस से पहले गुणा का डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणा 1/3 लिखिए। अब -4 हो जाएगा, ये हो गया, और +2 यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए 7×14 हो जाएगा, 3×5=15 हो जाएगा। अब क्या करिए ना कि इसको ऐसा करिए कि हो जाएगा ये 45 का 2/5 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3×6, ये हो जाएगा 6×24, यानी हम कहेंगे 13 - 24 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए ना कि माइनस से पहले क्या है का कम, सब्ट्रैक्शन पहले का है, तो पहले का कर दीजिए, 45×2/5 और माइनस माइनस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +11/6, अब +2 हो जाएगा। अब देखिए 9×45 = 18, 18 ये कितना हो जाएगा 20 + 11/6 = 12, 120 + 11 यानी 131/6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को इमेज कर रहा है 131/6 डी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, कह रहा है पी क्यू आर व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000, 24,000 निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपया है। अब क्या कर रहा है ना, पी क्यू आर तीन आदमी है, पी क्यू आर, और ये क्या कर रहे हैं ना कि 14,000, 18,000, 24, ये 14,000, ये 18,000 और ये 24,000 रुपया क्या क्या निवेश किए, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, यानी 12 महीना
अब ये जो रेशियो निकल के आता है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसका रेशियो निकल गया, जो रेशियो निकल के आता है ना वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। यार ये 14,000 रुपया 12 महीने के लिए, 18,000 रुपया निवेश किया 12 महीने के लिए, 24,000 निवेश किया 12 महीने के लिए, यानी हमारा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। ये कट जाएगा, अब देखिए 12 से 12 टोटल कट जाएगा। अब देखिए ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 दुना 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 दुना 24। अब ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 9 2 11 21 हो जाएगा, 21 साथ कितना हो जाएगा 28। तो हम कहेंगे प्रॉफिट हमारा टोटल 28 रुपया का हुआ है, और क्वेश्चन में 25,480 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 28 बराबर 25,480 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पी क्यू का हिस्से का अंतर बताइए, पी और क्यू का हिस्से का अंतर, यानी हमसे पूछ रहा है इसका हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा, 7 है ये 2 है और 9 है, तो घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमसे दो रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 25,480 अपॉन 28 इंटू 2 कर देंगे, ये काट दीजिए तो कितना 14 दुना 28 हो जाएगा। अब देखिए 7 दुना 14 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको फिर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 दुना 16 2 दुना 4 0। तो हम कहेंगे उसको कितना मिला 1820, दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 1820 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में कह रहा है कि इतना हमको डाटा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है बहुलक, बहुलक बराबर व्हाट, बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसे कहेंगे, जो इसकी बहुलता हो उसे हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे 50 आदमी है, और 50 आदमी में 40 आदमी क्या है, बार मुंडाया हुआ है, कपरछील है, तो कहा जाएगा इसमें बहुलक की संख्या किसका है, बहुलक कौन है। तो हम कहेंगे जिसका बार मुड़ा हुआ है, जिसका बार छिला हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसमें देखिए इतना संख्या दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि बहुलक कौन सा है, तो जो संख्या ज्यादा बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे, बहुलता। अब देखिए एक पहला ऑप्शन में एक दिया हुआ है, तो देखिए एक हमके देखने ही में ज्यादा नजर आ रहा है, 2 2 4 1 5 1 6 6 मरतबा एक आया है, और कोई संख्या मिला लीजिए 2 जो है ना 1 2 3 ही, 4 ही मरतबा 2 आया है, ये तो नहीं होगा, 3 1 2 ही मरतबा 3 आया है, 0 1 2 3 तीन ही मरतबा 0 आया है, सबसे ज्यादा मरतबा कौन है, 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है एक्स रेशियो वाई बराबर 5:4 दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 4 बराबर रेशियो में हमसे पूछ रहा है। तो हम देखिए एक्स का रेशियो कौन सा हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा, और वाई का रेशियो कौन हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे 5 रखिए और वाई की जगह पे कितना रखिएगा, 4 रखिएगा, वाई की जगह पे कितना रखिएगा, 4, और एक्स की जगह पे कितना रखिएगा, 5 रखिए, ऐसे मल्टीप्लाई करते ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो 25:16 यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना रेशियो निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, कोई वर्ग है और एक आयत है, ये हमारा आयत है, दोनों का एरिया क्या कह रहा है, बराबर है। कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ये जो लंबाई जो है ना वर्ग की भुजा मैंने मान लिया है, तो आयत की जो लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से अधिक है, यानी a+5 होगा, ऐसे समझ में। फिर आगे हमसे क्या कह रहा है, तो उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी इसकी जो चौड़ाई है ये जो है ना वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी a-4 है, ऐसे समझ में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयत की परिमाप क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप। तो देखिए एल और बी का जब तक ले मान नहीं निकलेगा ना तब तक ले हम लोग क्या करेंगे, आयत का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी ए स्क्वायर भुजा का कितना होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और इसका कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एल की जगह पर कितना रखिएगा, ए प्लस फाइव रखिएगा, और बी की जगह पर कितना रखिएगा, ए माइनस फोर रखिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर ए और प्लस फाइव ए, और माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये घट के कितना हो जाएगा, ए और माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा माइनस, यानी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे समझ में। ए बराबर हमारा हो जाएगा 20, यानी वर्ग की भुजा 20 हो जाएगा, तो अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 20+5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20-4 बराबर कितना हो जाएगा, 16, इसकी चौड़ाई 16 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2l+b होता है। अब देखिए 2l की जगह पे कितना रखिएगा, 25, और b की जगह पे कितना रखिएगा, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 41 * 2 बराबर कितना हो जाएगा, 82, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है एक व्यक्ति 345 रुपया प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, खरीद कितना में रहा है 345, यानी इसको बोलेंगे हम सीपी, जो खरीदा जाता है ना उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, उसको सीपी बोला जाता है, खरीदता है। यदि कह रहा है कि वह 40% हानि पर कैलकुलेटर बेचता है, कह रहा है ना कि एसपी जो है ना, कह रहा है 40% हानि पर। अब जैसे परसेंटेज हमको डालाना था, हम कहेंगे ना कि एससीपी जो है ना अपने हिसाब से 100% मान लेंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मगर मैं अपने हिसाब से 100% मान लिया ताकि हमको 40% आसानी से निकालना आ जाएगा। तो देखिए 100% मैंने सीपी को माना, 40% हानि पर बेच रहा है, यानी इसको बेचता होगा 60% में बेचता होगा। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे आगे ये पूछ रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन जी, हाँ हमसे ये पूछ रहा है कि 28 कैलकुलेटर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 28 कैलकुलेटर जब बेचेगा ना तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक कैलकुलेटर का दाम निकल जाएगा, उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 28 कैलकुलेटर का दाम हो जाएगा। तो एक कैलकुलेटर का पहले हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो हम कहेंगे 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैंने परसेंटेज में 100 माना था और कितना क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 345 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है एक का सीपी यानी 60% पर बेचा है, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 345 अपॉन 100 इंटू 60 कर दीजिए, 20 23 60 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 का 30 59 45, तो इसको का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 3 6 का 27 27 के साथ हो जाएगा 2 6 18 18 2 20 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। हम कहेंगे एक कैलकुलेटर का एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो बराबर है ना 207 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है 28 कैलकुलेटर का, तो 28 कैलकुलेटर का एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 207 में 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या को 14 से विभाज्य किया जाता है, कोई संख्या है मैंने मान लिया एक्स, इसको क्या किया जाता है 14 से विभाज्य किया जाता है, तो कह रहा है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या कोई वाई है जिसके 10% के बराबर हो जाती है, तो परसेंटेज 10% यानी 10 को परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यह 0 0 कट जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। तो x का मान ये दूसरा वाला जिसके x के सामने वाला रेशियो होता है, y के सामने वाला y का रेशियो होता है, तो x बराबर 7 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या यानी x दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या 5 है और कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कंपेयर किससे करा, दूसरी संख्या से, तो कौन नीचे जाएगा दूसरी संख्या इनटू 100 हो जाएगा। देखिए 5 × 10 20 हो जाएगा, ये 2 घटाइएगा तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 20 × 40, तो हम कहेंगे 40% क्या है कम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 62 क्या कह रहा है, मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करता है, तो मोहित की चाल, हमको पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। अब देखिए दूरी हमको कितना दिया हुआ, 1872 दिया हुआ है, और समय हमको कितना दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है 26 घंटा में तय करता है। तो अब निकालेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना कि किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ऐसा समझ में। मगर देखिए ऑप्शन में हमको दे रहा है ना, हमको ऑप्शन में दे रहा है मीटर पर सेकेंड में दे रहा है, यानी हमको ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दे रहा है, तो मीटर में पर सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए हम लोग क्या करना, छोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो छोटा से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1872 अपॉन 26 इंटू 5/18। अब देखिए काट दीजिए, ये कट जाएगा क्या, 3 से कट रहा, 8 1 9 7 2 9 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 6 18 3 6 18 3 2 9 6 3 4 12 हो जाएगा। ठीक, 13 6 52 फिर 6 से काट दीजिए, 6 से भी कट जा रहा है, 6 × 6 6 6 24 13 × 26 13 × 13 46 43 5 53 55 56 57 13 8 104 13 8 104 हो जाए, 8 दिन में कट जा रहा है, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 4 5 20, तो हम कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 में हमको एक ये ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में हमसे क्या कह रहा है ना कि M2 महीना, क्वेश्चन नंबर ये 63 है, 63 में क्या कह रहा है कि M2 महीने में कार का उत्पादन M1 महीने में कार के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो M2 का हमका हमारा कितना दिया हुआ है M2 - M1, और कह रहा है कितने प्रतिशत M1 महीने से कितने प्रतिशत अधिक रहा, M1 को हम नीचे लिखेंगे
जिससे कंपेयर करता है उसको क्या करना होता है, नीचे लिखना होता है। अब एम टू हमारा कितना है, 32। तो हम कहेंगे 32 माइनस एम वन कितना दिया हुआ, 25। 25 अपॉन 25 इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 सच्चे 28। तो हम कहेंगे 28% क्या है, अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 इसी पे आधारित दिया हुआ है, इसी में मिक्सअप दिया है। 64 64 क्या कह रहा है कि दिए गए सातों महीने, सात महीनों का औसत मासिक उत्पादन कितना हो जाएगा। ये सातों महीना का ना हमसे पूछ रहा है, औसत औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। अब योग कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 29 और प्लस 38 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 8 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17 17 6 23 23 4 27 27 8 कितना हो जाएगा, 27 8 35 35 2 37 37 5 42 42 के 2 कैरी 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 3 18 18 2 20 हमारा हो गया 20 20 अपॉन 7 हो जाएगा। अब इसको भाग करिए तो 7 दुना के 14 हो जाएगा और 6 62 हो जाएगा, 7 8 56 8 हो जाएगा। हम कहेंगे इतना हमारा क्या हो जाएगा, औसत 28.8 हमारा औसत हो जाएगा। ऐसा समझ में, ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल 638 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल यानी एसपी 638 रुपया है, विक्रय मूल का मतलब सेलिंग प्राइस। कह रहा तथा लाभ 45% है। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हमको कह रहा है 45% है। तो कह रहा है कि लाभ कितना होगा, यानी हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे लाभ ही पूछ रहा है। कह रहा है इसने कितना लाभ कमाया होगा। अब देखिए सीपी कुछ नहीं दिया है, तो सीपी हम क्या मानेंगे, सीपी को मान लेते हैं 100%। सीपी 100% और बेचा है 15% लाभ हो रहा है, यानी बेचा होगा 145 रुपये में, तभी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 45 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपये का खरीदा, 100% खरीदा, 45% पर लाभ पे बेचा, यानी 145। तो हम कहेंगे 145% बराबर कितना हो जाएगा, 638। विक्रय मूल बराबर विक्रय मूल, हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, यानी 45% का मान पूछ रहा है। तो 45% बराबर 638 अपॉन 145 इंटू 45 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 दुना के 10, 5 नवा 45 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 29 दुना के 58, 29 दुना के 58 हो जाएगा, तो 9 दुना के 18, 9 दुना के 18 एक 19 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 198 रुपये क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। करें एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, एमपी। एमपी कितना है, करें क्रय मूल्य यानी सीपी से 40% अधिक है। ये कितना है, 40% अधिक है, यानी 140। मार्केट प्राइस कितना रखा है, 140 रुपया, और खरीद रहा है 100 रुपया में। अब आगे देखिए, करें यदि वस्तु पर 50% छूट देता है, छूट किस पे देगा, तो मार्केट प्राइस पे देगा। तो मार्केट प्राइस पर कितना, 50% का छूट दे रहा है, यानी इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% का मतलब आधा, आधा का मतलब 70 रुपया। हम कहें 70 रुपया का छूट दे रहा है, यानी बेचा होगा 70 रुपया में, है कि नहीं, 70% पर बेचा होगा। तो कह रहा है विक्रय मूल क्रय मूल का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल जो है ना क्रय मूल का कितना प्रतिशत है। तो विक्रय मूल जो है ना, विक्रय मूल क्रय मूल का कितना प्रतिशत है, 70%। तो हम कहें कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, क्योंकि 70 अपन कंपेयर किससे कर रहा है, 100 से, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 70%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहे हैं कि यदि सोहन 25 मीटर पर सेकेंड की गति से बाइक चला रहा है, तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल होता है, यही होता है ना। अब दूरी हमको कितना दिया हुआ है, दूरी हमको दिया हुआ है टोटल 540 दिया हुआ है, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल हमको दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड 25। अब देखिए दूरी जो है ना किलोमीटर में दिया हुआ है, और चाल कितना में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए समय हमसे क्या, हमसे समय कितना घंटा में दे रहा है, यानी इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर घंटा में करना पड़ेगा। तो अब किलोमीटर पर घंटा छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़ा यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, 5 आया 25। अब ये कितना हो जाएगा,
540 अपॉन 18 पचे 90, ये कट जाएगा 9×54, तो हम कहेंगे 6 घंटा टोटल उसे दूरी तय करने में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एक राशि के 10 वर्षों का साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अब स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना कहने का मतलब क्या हुआ, मिश्रधन कह रहा है, कह रहा है स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल हमारा ₹2 है तो स्वयं का क्या हो जा रहा है, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा ₹1 है तो कह रहा है ना कि स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी 3x हो जाता है। अब देखिए ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटाइएगा वही हमारा ब्याज हो जाएगा, तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दोनों में से घटाइएगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P×R×T/100, यही हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए SI की जगह पर 2x रखिए, 2x, और P की जगह पर कितना रखिए, x, R हमारा कितना दिया हुआ है, दर हमको कितना दिया हुआ है, दर हमको निकालने के लिए कह रहे हैं R, और समय हमको कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ 10 वर्ष का दिया हुआ है, और अपॉन 100 हो जाएगा। अब ये जीरो कट जाएगा, x ये कट जाएगा, अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है कि के अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, कोई के व्यक्ति है अकेला क्या कर रहा है ना, 20 दिन में पूरा करता है, तथा एम अकेले समान कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, कोई एम व्यक्ति है जो समान कार्य को क्या कर रहा है, 30 दिन में पूरा करता है। अब देखिए जैसे काम वाला आ गया क्वेश्चन ना, तो हम पहले LCM निकालेंगे, तो LCM लीजिएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये 60 जो है ना टोटल हमारा वर्क निकल गया, कितना काम है। अब देखिए 60 में 20 से डिवाइड करिए तो कितना, 30 दुना 60, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, डिवाइड करने पर इफिशियंसी निकल जाता है, यानी एक दिन में के 3 काम करेगा, एम एक दिन में 2 काम करेगा, ऐसा समझ में। अब आगे देखिए हमसे क्या करें, करे के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, के और एम क्या करते हैं, कार्य को आरंभ करते हैं, करे कि 5 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, के जो है ना 5 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है। अब जैसे ये प्रारंभ करते हैं, अब के जो है ना के प्लस एम स्टार्ट करते हैं और ये 5 दिन तक काम करते हैं, अभी देखिए के 5 दिन के बाद छोड़ देगा, तो जो शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा, तो उसको एम करेगा। अब कितना दिन में करेगा वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यहाँ पर वाट लगाया। अब देखिए के और एम मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 3 काम करेंगे, ये 2 काम करेंगे, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल 25 वर्क कर देंगे, हमारा टोटल 25 काम कर देंगे। अब इसमें से क्या करिए ना, 25 घटा दीजिए, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, 35। हम कहेंगे अभी भी हमारे पास बचा हुआ 35 काम करने के लिए। अब 35 काम कौन करेगा, तो अकेला एम करेगा, तो एम एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 35/2, तो हम कहेंगे जो शेष काम बचा हुआ है उसको एम अकेला कितना, 35/2 दिन में कर देगा, यानी हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, 35/2 दिन। करा एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, अब कोई बेलन है यहाँ पे, ये हमारा बेलन हो गया, जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई हमको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। करा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसके आधार की जो त्रिज्या है ना वो 14 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो करा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ किसे कहेंगे, जो ऐसे मुड़ा हुआ ये ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बाहर से हम टच करते हैं उसी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr×h हो जाता है, नीचे वाला परिधि लिखेंगे इससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इसी पर पुट कर दीजिए, तो 2×22/7, आर का मान कितना दिया हुआ 14, एच का मान कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, 7×14, 2×4, तो यानी 88×20, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, 8×16 = 6, 8×16 = 17, हम कहेंगे 1760 क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 71 देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या, अगर ₹4500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो, ब्याज संयोजन वार्षिक किया गया हो, तो 3 वर्ष के पश्चात धनराशि क्या होगा। अब हमको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल दे दिया हुआ ₹4500 दिया हुआ है, और दर कितना दिया हुआ, दर कह रहा है 10% है, और समय हमको कितना दे दिया 3 वर्ष। अब जैसे हमको 3 वर्ष कह रहा है, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेखा मेथड बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है। अब ये क्या करिए, एक रेखा कीजिए, अब इसको 3 वर्ष कह रहा है तो 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, तो एक टुकड़ा हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया, ये 3 टुकड़ा हो गया, ठीक। अब क्या करें ना, इस पे 10% लगा दीजिए, तो पीछे से 1 अंक के बाद डेसिमल लगाइएगा तो हमारा 10% का मान निकलेगा, पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए तो 1% का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से एक अंक के बाद डेसिमल लगाए तो हमारा 10% कितना हो जाएगा, ₹450 हो जाएगा।
अब जैसे 450 आ गया तो सब में क्या करिए 450 लिख दीजिए, 450 और 450। ठीक, अब आगे देखिए, पहले वर्ष क्या होता है, पहले वर्ष का इसका जीरो हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ष यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 10% लिखना होगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 45 रुपया हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमको ब्याज लिखना होगा ना, तो सब पे ये ब्याज लिखना होगा, सब पे जोड़ना होगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याजों पर ब्याज। अब यहाँ ब्याज हमको टोटल लिखना हो, दूसरे वर्ष का ब्याज लिखना था तो इस पे भी ब्याज पे हम जोड़ दिए, अगर तीसरी वर्ष का ब्याज लिखना होगा तो इस पे ब्याज जोड़ेंगे, इस पे जोड़ेंगे, इस पे जोड़ेंगे, तो इस पे जोड़ेंगे 10% तो 45, इस पे जोड़ेंगे 10% तो 45 90 हो जाएगा, और इस पे 10% जोड़ेंगे यानी पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 94.5 रुपया हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, CI निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 45 90 135 यानी 1350 रुपया हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा, जोड़िए तो 0.5 हो जाएगा, 549 हो जाएगा, 9413 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, और 538 हो जाएगा, और 314 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आया समझ में, इतना हमारा ब्याज हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है ना, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि कितना हो जाएगी, उधार दी गई राशि कितना हो जाएगी, यानी हमसे मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन के लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर CI चक्रवृद्धि ब्याज और प्लस प्रिंसिपल जोड़ देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 14,005 और प्लस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 4500 रुपया। अब इसको जोड़िए तो 0.5 हो जाएगा, और ये 89 हो जाएगा, और 549 हो जाएगा, और 415 हो जाएगा, इतना रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। कह रहे दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, 72 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 13:20 दिया हुआ है हमको, दो संख्या दिया हुआ है। कह रहा है उनके मध्य अंतर, अंतर दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, 189 रुपया हमको अंतर दिया हुआ है, क्वेश्चन में 189 का अंतर हो रहा है, रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है, तो रेशियो में हमारा कितने का अंतर हो जाएगा, 13 और 20 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का रेशियो हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या करें, तो कह रहा है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी 13 रेशियो बराबर हमसे पूछ रहा है, तब काट दीजिए, 7 × 14 = 49, यानी 100 रेशियो बराबर 13 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 13 कर दीजिए, तो 13×6 = 39, 6 × 3 = 65, 13×6 = 91, 9 × 13 = 26, 26 × 9 कितना हो जाएगा, 26 × 9 = 35 हो जाएगा, हम कहेंगे 391 रुपया क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 351 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 में हमको ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक। अब चार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय का औसत अंक ज्ञात करें। अब देखिए ये विषय है S1, S2, S3, S4, S5, ये हमारा 5 विषय दिया हुआ है, और छात्र हैं P1, P2, P3, P4, 4 छात्र हमको दिए हुए हैं। तो कह रहा है P2 द्वारा प्राप्त राशि, प्राप्त अंक जो है ना, उसका औसत ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, औसत बराबर योग, तो योग कितना हो जाएगा, 100 प्लस 52 प्लस 55 और प्लस 85 और प्लस 70, कितना विषय है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 विषय, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0, 5, 5, 10, 10, 2, 12 के 2 कैरी 1, 7, 1, 8, 8, 16, 16, 5, 16, 5 आपका हो जाएगा 21, 21, 5, 26, 26 के 6 कैरी 2, और 2, 1, 3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5, 7, 35 हो जाएगा, और 5×10, 5×6 = 20, हम कहेंगे 72.4 क्या हो जाएगा हमारा, औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 kg है, यदि 72 kg औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए शेष का औसत वजन, वजन कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल संख्या कितना है, 10 वस्तु है, तो 10 × ये हमारा हो जाएगा 65, सभी का 65 kg वजन है। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि 72 kg वाला 3 वस्तुओं का औसत, 72 kg औसत वाला 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, यानी हमारा माइनस कर देंगे 72 kg × 3, तो हमारा देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारा टोटल 7 संख्या बचेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा औसत, 62 kg हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए,
कर ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 52 और तथा 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है। अब कह रहा है ना कि 52 तथा 104 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है और 8 बचता है। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हमको विभाजित करने पर ये 4 बचे और इसमें विभाजित करेंगे तो 8 बचेगा। तो इसके निकालने के लिए हम लोग सीधा फंडामेंटल क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा 48 हो गया, ये 96 हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, वही हमारा संख्या हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी हमारी वैसी संख्या वही संख्या हो जाएगी जिससे 48 हम डिवाइड करेंगे तो इससे शेषफल 4 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए करिए, 48 के हम 48 में से 52 घटाइएगा तो कितना 4 बचेगा, 48 दुना का 96, 96 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, और 96 में से 104 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यानी यही हमारा 48 आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल मैंने 75 क्वेश्चन करा दिया आपको, और क्या करिए आप लोग सेट लगाइए, सेट लगाने के बाद जितना आपका आंसर आ रहा है हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने ना भूलें। ठीक, अगर अच्छा आपको लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते ओके, जय हिंद।